क्या आपको पता है कि इंसान की बॉडी में भी अब प्लास्टिक पाया जाता है? ऐसा मैं नहीं बल्कि कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया है। और क्या आपको पता है जापान में न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से एक खरगोश बिना कानों के ही पैदा हुआ? पर इन सबसे पहले इस फुटेज को देखिए। इसमें आसमान से कोई ऑब्जेक्ट गिरता दिख रहा है और ये जब गिरा ना तब मैंने भी इसको अपनी आंखों से देखा था। तो क्या था ये? बस ऐसे ही कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपके मुँह से एक ही बात निकलेगी और वो है क्या बात है सर। नंबर वन, 17 मार्च 1852 में एक इटालियन एस्ट्रोनोमर ने एक एस्टेरॉयड की खोज की जिसका नाम है साइक 16। इसका डायमीटर करीब 220 किलोमीटर है। अब इस एस्टेरॉयड की कीमत जानकर आप अपना होश खो देंगे क्योंकि इसकी कीमत करीब 10,000 क्वाड्रिलियन यूएस डॉलर जितनी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये एस्टेरॉयड आयरन, निकल, गोल्ड जैसे एलिमेंट्स का बना है, मतलब पैसा ही पैसा। पैसा ही पैसा हो गया। और इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए नासा अगस्त 2022 में एक मिशन भी लॉन्च करने वाला है। नंबर टू, कनाडा की एक यूनिवर्सिटी ने स्क्विरल यानी कि गिलहरी पर एक रिसर्च किया था। इस रिसर्च में एक बहुत ही अमेजिंग बात पता चली और वो ये है कि जब किसी गिलहरी के बच्चे किसी भी तरह से अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं तब कोई दूसरी गिलहरी उन बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं, पर ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। नंबर थ्री, क्या आप इस आदमी को पहचानते हो? इसका नाम है मिशेल लोटिटो। ये है तो इंसान लेकिन इसकी हरकतें बिल्कुल एलियन जैसी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो सुनिए। इसने अपने पूरे जीवन में 18 बाइसिकल्स, 15 शॉपिंग कार्ट्स, 7 टीवी सेट्स, 6 झूमर, 2 बेड्स, 1 स्की की जोड़ी, 1 कंप्यूटर, 1 वाटर बेड, 1 500 मीटर लंबी स्टील की चेन, 1 कॉफिन वो भी हैंडल के साथ और 45 डोर हिंजेस, ये सब कुछ खाया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और हाँ, इसने एक पूरा सेसना 150 लाइट प्लेन को भी खाया है जिसको खाने में उसे करीब 2 साल लग गए और ये सब करने के लिए उसे एक गिनीज अवार्ड प्लेग भी मिला था, बट ये उसे भी खा गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नंबर फोर, क्या आप भी प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हो? अगर हाँ तो तुरंत ये बंद कर दीजिए क्योंकि वैज्ञानिकों को हाल ही में इंसान के ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन देखने को मिला है। वैज्ञानिकों ने करीब 22 लोगों के ब्लड सैंपल पे रिसर्च किया जिनमें से करीब 17 लोगों के ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिला और इनमें सबसे ज्यादा पीईटी प्लास्टिक मौजूद था जो कि ज्यादातर पानी की बोतल्स में पाया जाता है। और पृथ्वी पर इतनी हद तक पोल्यूशन बढ़ गया है कि ये अब फूड, वाटर या फिर सीधा हवा से भी आपके शरीर में एंट्री कर सकता है। हालांकि इनसे होने वाले नुकसान का अभी तक कोई पता नहीं है लेकिन कुछ थियरी के मुताबिक यह ह्यूमन सेल को भी बर्बाद कर सकता है। नंबर फाइव, क्या आपको पता है 1960 में अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने करीब $20 मिलियन एक बिल्ली पर खर्च कर दिए थे। दरअसल ये एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम रखा गया था एक्वास्टिक किटी। इस प्रोजेक्ट में एक बिल्ली के कानों में माइक्रोफोन्स और उसकी खोपड़ी में रेडियो ट्रांसमीटर इम्प्लांट किया गया और ऐसा करके इस बिल्ली को क्रेमलिन और सोवियत एम्बेसीज के बाहर जासूसी करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब पहली एक्वास्टिक किटी को बाहर जासूसी के लिए छोड़ा गया तभी एक टैक्सी से टकरा कर उसकी मौत हो गई, मतलब पैसा बर्बाद। और फिर साल 1967 में इस प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया गया। नंबर सिक्स, क्या आपने कभी बिना कानों वाले खरगोश को देखा है? अगर नहीं तो इस खरगोश से मिलिए। ये जापान में रहने वाला खरगोश है। इसने बिना कानों के ही जन्म लिया। अब इसका ऐसा होने के पीछे और कुछ नहीं पर न्यूक्लियर रेडिएशन जिम्मेदार है। दरअसल साल 2011 में जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट सुनामी की चपेट में आ गया जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में रेडिएशन फैलने लगा और यही रीजन था कि ये खरगोश बिना कानों के ही पैदा हुआ। नंबर सेवन, तारीख 2 अप्रैल 2022 के दिन रात के 7:45 आसमान से एक आग का गोला धरती पर आते दिखा जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखा गया था। पहली नजर में ये कोई एस्टेरॉयड लग रहा था पर कोई भी एस्टेरॉयड अर्थ के इतने करीब से नहीं गुजर सकता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सैटेलाइट का मलबा है जो कि चाइना के सैटेलाइट का हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर जांच जारी है। दोस्तों, आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ घंटे को भी जरूर दबा दीजिएगा।